भारतीय जनता पार्टी दहिसर विधानसभा आयोजित जीवन गौरव आणि दहिसर रत्न पुरस्कार वितरण सोहळा बोरुली सांस्कृतिक केंद्र ज्ञानसागर एमपी थिएटर देवीदास लेन बोरुली पश्चिम या ठिकाणी घेण्यात आली। या संपूर्ण प्रक्रियेत विनोद घेडिया, करुणाशंकर ओझा, रामब्रीज यादव, प्रवीण लाडे, विनोद तावडे, मंगल प्रभात लोढा, खासदार गोपाळ शेट्टी, कृपाशंकर सिंग, मनीषा चौधरी, अरविंद यादव या मान्यवरांचे गौरवण्यात आले। बहुत सुंदर कार्यक्रम को करने के लिए यहाँ की मनीषा चौधरी को मैं प्रणाम करता हूँ, साथ को प्रणाम करता हूँ। अरविंद यादव यहाँ के अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के लोग भी सांसद सिर्फ यहाँ के नहीं, पूरे मुंबई के हैं, महाराष्ट्र के हैं, धनी गोपाल भाई सबको मालूम है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बधाई दे रहा हूँ, इनसे सीखते हैं। मैंने कहा इन दलित उनकी भी एक पुस्तक होनी चाहिए, कुछ भी लिखा जाए, यहाँ के लोग जानते हैं, हमारे जैसा आदमी जानता नहीं है। जैसा नहीं चौधरी ने कहा कि मैं उनके जरूर त्याग करूँ फिर मिलेगा। अभी हनुमान चालीसा का रूप चला है, हनुमान चालीसा क्यों पढ़ाना चाहते हैं? एक हनुमान चालीसा चौपाई है, राम दुलारे तुम रखवारे, वो तो मैं आज्ञा बिन पैसा है। इनके समझ नहीं आ रहा ये क्या है, आज्ञा नहीं होगी बिना पैसा के, पैसा रे का मतलब ये है। मात्र जे बाकी से जुने कार्यकर्ते त्यांना डावलण्याचे काम देखील होतं, याला मी पूर्णपणे नाकारत नाही। परंतु उत्तर मुंबईमध्ये अशा मोठ्या प्रमाणात होत नाही, अजिबात होत नाही हे मी सांगणार नाही, कारण माझा स्वभाव पत्रकारांनाही माहिती आहे आणि माझ्या मत जे काही ऐकणारे लोक आहेत त्यांनाही असं वाटत नाही का गोपालभाईने असा कसं सांगितलं। परंतु मी म्हणेन की अन्य पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे, भारतीय जनता पक्षही त्यात अलिप्त नाही आहे, परंतु थोडासा आहे। परंतु येणाऱ्या काळामध्ये तेही दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। नवीन लोकांचा निश्चित स्वागत केला पाहिजे पक्षात, त्यापेक्षा त्याशिवाय पक्ष वाढणार नाही। परंतु जुने पक्षाचे कार्यकर्ते ज्या लोकांनी अहोरात्र मेहनत करून ह्या पक्षाला उभा केला आहे त्यांना कोणी विसरू नये, आणि कमीत कमी आम्ही तशा प्रकारचा चूक उत्तर मुंबईत होऊ देणार नाही इतकं मी सांगू शकतो। पण ज्या पद्धतीने कौटुंबिक आहे वारसा दिला जाणार नाही असं पक्षाची भूमिका आहे भाजपची, मात्र ती पण तुटत चालली असं वाटतंय का, म्हणतंय का ती मोठ्या प्रमाणात त्याची अंमल सन्मान करणं, दहिसर रत्न करके सम्मानित करणं, ही आयडिया आपके पास कहाँ से आया, ये आयडिया आपके पास कहाँ से आया और कैसे शुरुआत हुई? देखिए हर कार्यकर्ता सांसद नहीं बन सकता है, हर कार्यकर्ता विधायक नहीं बन सकता है, हर कार्यकर्ता नगर सेवक नहीं बन सकता है, लेकिन हजारों कार्यकर्ता एक नगर सेवक बनाता है, लाखों कार्यकर्ता एक विधायक बना सकता है, लाखों कार्यकर्ता एक सांसद बना सकता है। ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की इतिहास है कि जहाँ दो सांसद से लेके 303 सांसद बने, ऐसे ही हमारे दहिसर विधानसभा जहाँ हमारा विधायक नहीं था, जहाँ हमारे नगर सेवक नहीं थे, वहाँ हमारे 3 नगर सेवक बन गए, हम विधायक बन गए। तो मुझे ऐसा लगा कि जो नए कार्यकर्ते हैं उन नए कार्यकर्ताओं को जुने कार्यकर्ता अपने लोगों ने संघर्ष करके ये पार्टी कैसी खड़ी की है, तो उनको अपने कृतज्ञता व्यक्त करके उनको सम्मानित करना चाहिए। हमारे विनोद केडिया जी 27 साल एक ही वार्ड का नेतृत्व किया और विनोद जी ने जो काम किए हैं, दूरदृष्टि रखी है, ये हमारे नगर सेवकों ने आगे रखनी चाहिए कि लोगों के पैसे से अपना वार्ड कैसे डेवलप करना, वो विनोद जी का ध्येय आगे उन्होंने चलाना चाहिए। और मुझे मेरा कर्तव्य बनता है क्योंकि मैं संगठन से आई हुई हूँ। मैं